8 दिसंबर को हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। इसी हफ्ते भोपाल आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को फिर मिल सकती है जगह। सीएम योगी का मुंबई दौरा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड। लखनऊ को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। निगम मंडलों में नियुक्तियों के नामों पर लगेगी अंतिम मोहर। राजधानी भोपाल को स्मार्ट बनाने के लिए मिंटो हॉल में बैठक जारी। देश के नामी बिल्डर्स और बिजनेसमैन से चर्चा कर रहे स्मार्ट सिटी के सीईओ। विकास के मुद्दे पर चर्चा। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव की तारीख घोषित। 10, 11 और 12 दिसंबर को होगी वोटिंग। 2 विधायक समेत कुल 12 प्रत्याशी हैं मैदान में। कोरोना काल के बीच कोविड 19 स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे राजधानी भोपाल। अपनी सेवाओं को जारी रखने और स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल। पिछले 7 महीने से अस्पतालों में दे रहे हैं सेवा। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 7वां दिन मंगलवार को बेनतीजा रही सरकार के साथ बैठक। 3 दिसंबर को फिर होगी मुलाकात। कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड। सबसे तेज 12,000 बनाए रन। सबसे कम पारियों में 10,000 रन बनाने का भी तोड़ चुके हैं रिकॉर्ड। एमपी में जारी है एमपी माफिया अभियान। इंदौर के खजराना में नामी बदमाशों के अवैध ठिकानों पर चला निगम का पंजा। 5 जगहों पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दूसरा। सबसे पहले खबर जहां रायपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की जबरिया कार्रवाई से प्रताड़ित होकर छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र धर्मेंद्र आदले को छेड़खानी के आरोप में कार्रवाई की गई थी। पुरानी बस्ती थाना में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। मृतक के परिजनों ने महिला प्रभारी आईपीएस रत्ना सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो छात्र ने कल देर रात मामा के घर पर खुदकुशी की है। प्रताड़ना से तंग आकर उसने कदम उठाया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संहिता शिवम मिश्रा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शिवम, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कहना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल पुरानी बस्ती थाना में धर्मेंद्र आदिले को कल बुलाया गया था, इसमें मामले में पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र आदिले के खिलाफ पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि धर्मेंद्र आदिले लगातार उन्हें परेशान करता है, उनके फोन पर लगातार कॉल करता है, उसके बाद उनके परिवार वालों को भी अपशब्दों का प्रयोग करता है और वे लगातार घर के बाहर आकर के गंदी गंदी अश्लील हरकतें करता है। जिसकी शिकायत पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने धर्मेंद्र आदिले को, मैं बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र आदिले बीएससी बीसीए और यूपीएससी फाइट करने वाले एक छात्र है, जिसे पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने कल मुस्कान से धारा 151 के तहत कार्रवाई कर हिरासत में लिया था। कल दिन भर हिरासत में बैठाने के बाद कल देर रात कलेक्ट्रेट से उनकी जमानत की गई धर्मेंद्र आदिले की। धर्मेंद्र आदिले की शिकायत के बाद लगातार वो इस चीज से परेशान था कि पुलिस की जो ये कार्रवाई है ये काफी ज्यादा हद तक मुझे प्रताड़ित की गई है, मेरा पूरा भविष्य खराब हो चुका है, इसके आगे मैं अपने और जिंदगी को नहीं देख पाता हूँ। तो जिसके बाद ये बात उठी कि लगातार परेशान चल रहा था, जिसके बाद कल अपने मामा के घर पर जाकर के धर्मेंद्र आदिले जो है वे देर रात फांसी पर लटक गए और फांसी पर लटकने के बाद वे उसने आत्महत्या कर ली। आज सुबह जब उसके परिजनों को इस बात का पता लगा कि धर्मेंद्र आदिले कहाँ है, जब उसकी खोजबीन की गई तो धर्मेंद्र आदिले आज अपने छत के ऊपर फांसी पर लटका हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले पर धर्मेंद्र के परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने धर्मेंद्र आदिले को बैठाया कर हिरासत में लेकर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। लगातार पुलिस के बड़े मामले में आईपीएस रत्ना सिंह का क्या कहना है शिवम? अजी बिल्कुल, देखिए हमने कई बार कोशिश की रत्ना सिंह से बातचीत करने की, लेकिन वे लगातार इस मामले में बातचीत करने से इंकार करती रही। लेकिन इस मामले पर पुलिस के बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि शिकायत पर उसे बैठाया गया था थाना पर, किसी प्रकार की
उसको प्रताड़ना नहीं किया गया था थाने के अंदर धर्मेंद्र आदिले के ऊपर। तो ये जो पूरा मामला था, ये पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है कि आखिर धर्मेंद्र आदिले ने काहे किस लिए इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। नव नियुक्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर में आज प्रशासनिक कसावट के लिए अधिकारियों की बैठक लेंगे। जिम्मेदारी संभालने के बाद हो रही पहली बैठक में जैन मंत्रालय में योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसीलिए अधिकारियों को योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर फोकस होगा। प्रदेश में संचालित होने वाली महत्वाकांक्षी योजना की क्रियान्वयन और वास्तविक स्थिति के संबंध में सचिवों से जानकारी ली जाएगी। नरवा गुरवा बारी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना, गोबर खरीदी, सीएम हाट बाजार क्लिनिक, जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का मुख्य सचिव आकलन करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन लंबे समय से फाइनेंस संभालते रहे हैं, लिहाजा उनका जोर राज्य के वित्तीय हालातों को नियंत्रित करने के साथ साथ आय बढ़ाने के साधनों पर भी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दिल्ली दौरे पर जाएंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश में निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर केंद्र नेतृत्व से चर्चा हो सकती है। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश दुर्ग भिलाई के विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और साथ ही जशपुर के अंग्रेजी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और भिलाई में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल भिलाई के आईआईटी में ब्रिक लेंग समारोह में हिस्सा लेंगे और दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के पीछे लोक कला मार्ग का लोकार्पण भी करेंगे और इसी के साथ ही सीएम पीडब्ल्यूडी कार्यालय और आदिम जाति विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। भिलाई के नेहरू नगर अंडर ब्रिज का लोकार्पण और बापू नगर तालाब के सौंदर्यकरण कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। गोरेला पेंड्रा मरवाही के 17 धान खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। केंद्रों पर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। धान खरीदी केंद्रों में लगभग 15,000 किसानों ने 6 लाख कुंतल धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। वहीं खरीदी शुरू होने से पहले जेएससीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने ध्यान सत्याग्रह के तहत 4 मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग की। मांग है कि उठे एक एक दाना, दूसरा कम ना पड़े बारदाना, तीसरा एक मुश्त 2500 दिलाना और चौथा किसानों को बिचौलियों से बचाना। इन 4 उद्देश्यों के साथ हम लोग धान सत्याग्रह कर रहे हैं। विकासखंड पथरिया के 31 धान खरीदी केंद्रों पर 21,424 पंजीकृत किसानों से 10,80,121 कुंटल धान खरीदे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जहां कल से धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके अलावा नए खुले जुनवानी धान खरीदी केंद्रों के चालू होने के पहले ही विवाद देखने को मिला। जुनवानी में खरीदी केंद्रों के लिए स्थायी जगह नहीं होने के कारण अस्थायी तौर पर कॉलेज मिनी स्टेडियम पर धान खरीदी केंद्र शुरू किया गया। खिलाड़ियों सहित स्कूली बच्चों ने अपने खेल में बाधा उत्पन्न होने को लेकर केंद्र का विरोध किया। नए केंद्र से जुनवानी, दलपुरवा, जरेली, पैटुल कापा, डाका चाका, अमली डीहा, कैबैया के 7 गांव के कृषकों में उत्साह देखने को मिला। केंद्र का विधिवत शुभारंभ क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा धर्मलाल कौशिक ने किया। गरियाबंद जिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक दिन से धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और जहां रैली कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं जिला संयोजक प्रदीप वर्मा ने कहा
कि शासन द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगें पूरी नहीं की। ऐसे में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने चरणबद्ध आंदोलन करने का आह्वान किया। नौ प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता देना, सातवें वेतनमान का एरियस है, कोरोना संक्रमण में दिग्विजय परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देना, अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीमा को खत्म करना, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं 62 वर्ष सेवा गारंटी के साथ पदोन्नति क्रमोन्नति, ये हमारे प्रमुख मांगे हैं। मुंगेली जिले के जिला पटवारी संघ ने 9 सूत्र मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक जिले के सभी पटवारी काली पट्टी बांध कर काम करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी गई। पटवारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से 9 सूत्रे मांगे सरकार के सामने हैं, जिस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर पटवारियों के हड़ताल को लेकर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अभी धान खरीदी का कार्य सरकार की प्राथमिकता में है, इसमें पटवारियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे समय में हड़ताल पर चले जाने से कार्य प्रभावित जरूर होगा। ये प्रांत स्तरीय 9 सूत्री मांग है, जो पिछले 2 सालों से हम जो है शासन को देके रखे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए प्रांत के निर्णय के अनुसार सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं आज के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हमारे भी आने जाने में परेशानी भी है और सड़क की व्यवस्था भी हो गई है, तो किसान भी मतलब आ करके तहसील तक हमारी काम कर सकते हैं और तहसील में ही हम लोग रहेंगे, तहसील से बाहर निवास रत नहीं है, तहसील में आ करके काम करवा सकते हैं, तो मुख्यालय की बाध्यता फिर समाप्त करनी चाहिए। में पटवारियों ने अपना सांकेतिक हड़ताल एक दिन का रखा है, जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने पूर्व के बिंदु हैं जो पिछले हड़ताल में उनके जो बिंदु थे वो 9 बिंदुओं पे अभी उनके एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। छत्तीसगढ़ के उनका प्रांतीय स्तर पे उनके आह्वान पे जो है लोगों ने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल रखा है। खबर अंतरघट से, जहाँ केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर कृषि बिल वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही राजीव चौक में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच में हल्की झड़प भी हुई। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष संत राम सलाम ने कहा कि देश के किसान कृषि विरोधी बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहा है, जिसका आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन करती है। किसानों के खिलाफ बिल है जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन मोदी सरकार, तानाशाही सरकार, कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पारित किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, आज भी करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे। बालोद की डोरनी में 4 साल पहले स्वीकृत हुआ केंद्रीय विद्यालय अब विवादों में घिर गया है। स्कूल खोले जाने को लेकर प्रशासन अब तक जगह की तलाश नहीं कर पाई है। स्कूल खोले जाने की लेट लतीफी को लेकर कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। सांसद मंडावी का कहना है कि उनका काम योजना लाना था, लेकिन अब प्रशासन को सर्व सुविधा युक्त स्थान का चयन कर केंद्र स्कूल बनाना चाहिए। और मामले में कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि अभी केंद्रीय विद्यालय को लेकर सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ, जिला प्रशासन जो स्थल चयन करेगी वही केंद्रीय विद्यालय बनेगा। हमारा काम है केंद्र से योजना लाना, और यहाँ जिला प्रशासन का काम है कहाँ जगह है चयनित करके बनाना, और अब तक के शुरू हो जाना चाहिए था, हमारे लोगों को शिक्षा मिलता, जितना जल्दी बन जाए हम चाहते हैं, लेकिन इसको कांग्रेस वाले कुछ गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बनाने में हीला हवाली कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, अब तक के बन जाना चाहिए था। कुछ नहीं है, अभी तो सर्वे ठीक से हुआ नहीं है, केंद्रीय विद्यालय आया है अभी, अब वो केंद्र का योजना है, उन लोग सर्वे करेंगे किस जगह में होना है, बालक जिला में होना है, वहाँ पे उन लोग सुनिश्चित स्थान ऐसा देखेंगे, वहीं
होगा, इसमें हम सबकी कोई हस्तक्षेप नहीं है। राजधानी रायपुर के आसपास औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण का कहर बरपा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों के जीना मुहाल हो गया है। धरसीवा के सिंहतरा में फैक्ट्रियों से दिन रात निकल रहे जहरीले धुएं की काली परत तालाबों के पानी और घरों तक पहुंच रही है, जिससे लोग घर के बाहर कपड़े और सामान रखना छोड़ चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव का कहना है कि जब तक भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलना संभव नहीं। सत्ता में रहते हुए भी भाजपाइयों ने तत्कालीन विधायक की अगुवाई में हल्ला बोल अभियान चलाया था और तब कुछ अंकुश लगा था, लेकिन आज हालात बद से बदतर हो गए हैं। सख्ती नहीं की गई तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। फेस्टू में स्थित ये है महेंद्र एस्पंजारन, जिसकी चिमनी से भारी मात्रा में धुआं निकलता हुआ आपको इस समय दिखाई दे रहा है। दिन में इस तरह से स्पंज आयरन की चिमनियों से रुक रुक करके भारी मात्रा में धुआं निकाला जाता है, जो गांव के घरों तक पहुंचता है। और रात में तो बालौद के रोनी में अपनी चार सूत्र मांगों को लेकर रोजगार सहायक को निधरना दिया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों ने जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि रोजगार सहायकों को सचिव पद वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती कराई जाए। ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे रही नियमितीकरण एवं वेतन मांग, जिसमें हमारी मानदेय है 6,000, जिससे हमारा परिवार नहीं चलता, जो कलेक्टर दर है उससे भी कम है। और दूसरी मांगे हैं, नगर पंचायत बन गए है ग्राम पंचायत, उसमें से रोजगार सहायकों को वहां सम्मिलित किया जाए। बीजापुर से रायपुर जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोंडा गांव के पास दही कोंगा में दो वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कावरी पेंटा बोर्जे गांव के रहने वाले थे, जिनके साथ उनकी पत्नी और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पेंटा कोतापाल में शिक्षक थे और जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मौत के बाद बोर्जे गांव में सन्नाटा है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलम रख मशाल उठा आंदोलन का शंखनाद किया। आंदोलन के प्रथम चरण में सैकड़ों कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्र मांगों का ज्ञापन सौंपा और अपना दमखम दिखाया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मशाल रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। आगे के चरणों में आंदोलनकारियों की संख्या और बढ़ेगी। मांग पूरा नहीं होने पर दूसरे चरण में 11 दिसंबर को कर्मचारी अपने जिलों में धरना देंगे और वादा निभाओ रैली निकालकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में मशाल रैली के रूप में आंदोलन किया गया है। उसके बावजूद यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं उनका गया तो आगामी दूसरे चरण पर 11 दिसंबर को स्वाभिमान रैली के रूप में जिला प्रत्येक जिला 28 जिला मुख्यालय में विशाल संख्या में अधिकारी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन होगा और शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बिलासपुर में कर्मचारी अधिकारी संघ ने महंगाई भत्ता एरियर्स पदोन्नति प्रमोशन पेंशन की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। साथ ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ ने बुझे हुए दीपक कलेक्टर कार्यालय में रखकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी आर चंद्रा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कि इन सभी जो मांग है हमारे 14 सूत्री मांग उसको तत्काल रिलीज करें, इसके लिए हमने 3 चरणों में आंदोलन का शंखनाद किए हैं। इसमें आज पहले चरण में आज हम लोगों ने मशाल और मतलब कि बुझा हुआ दीपक लेकर आज कलेक्टर महोदय कलेक्टर में आए थे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। धमतरी में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 चरणों में 1 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू किया है। पहले दिन संगठन के पदाधिकारियों ने जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया
और इसी के तहत 11 दिसंबर और 19 दिसंबर 2022 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने और 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान देने सहित कई मांगों को लेकर वे आंदोलन करेंगे। तो महंगाई भत्ता और 9% महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश का मान किए हैं। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1917 के बकाया एरिया जो 4 किस्तों में भुगतान करना था। मुंगेली में 14 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर पूरे प्रदेश सहित मुंगेली जिले में आंदोलन हो रहा है। फेडरेशन से संबंध सभी सामान्य एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में मशाल रैली निकाली। मशाल का प्रतीक और सूखी दिया बाती हाथ में लेकर सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक संवेदनशील पहल सुदूर इलाके के उन बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता खोल रही है जिनकी जिंदगी में तब अंधेरा छा गया था जब तकनीकी दिक्कतों की वजह से नीट क्वालिफाई कर चुके होनहार छात्र छात्राएं काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय पर अपना पंजीयन नहीं करा सके थे। उन्हें अब प्रदेश के निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए हैं और इन होनहार बच्चों का भविष्य अब सरकार संवारने जा रही है। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार है कि MBBS के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। पथरिया धान खरीदी केंद्र के उद्घाटन पर आए क्षेत्र विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं। 30 नवंबर को नाबालिग की चाकू के वार से हत्या हृदय विदारक है और पूरे प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अनाचार, अगवा करने, फिरौती और लूटपाट की घटना आम हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार में शांति का टापू छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन चुका है। कानून की लचर स्थिति सामने आई है। रायपुर में लगातार घटना घट रही है, प्रदेश में घटना घट रही है। कल की जो घटना है हृदय विदारक है कि 25 जगह नाबालिग है लड़के और दो लोग मिलकर के उसके चाकू से उसको गोदा गया है। देखने से उस वीडियो को वायरल हुआ है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार की घटना हो रही है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का दबाव बन रहा है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का दबाव बन रहा है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में 1 से 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और साथ ही कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। चक्रवाती तूफान का प्रभाव तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल की तरफ से ज्यादा पड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 5 से 6 दिसंबर से ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया भले ही सीरीज हार चुकी हो लेकिन कप्तान विराट कोहली ने तीसरे वनडे में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। इस मामले में वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। सचिन ने 12,000 रन बनाने के लिए 309 मैच खेले थे। वहीं कोहली सचिन से
58 मैच पहले ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले कोहली ने सबसे तेज 10,000 बनाने का रिकॉर्ड भी विराट ने ही तोड़ा था। कोहली ने अब तक 251 वनडे में करीब 60 की औसतन से 12,040 रन बनाए हैं। बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल @SwarajExpressSMBC। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी कर सकते हैं फॉलो @SwarajExpressSMBC। हमारे फेसबुक पेज को करें लाइक @SwarajExpressSMBC। ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस SMBC। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश इसकी